Hello, minds. To Edu आज हम इस में 21 फॉर एग्जांपल लोगों की भीड़ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या फिर फूलों के गुलदस्तों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये जानेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ लेट्स अ बंस ऑफ कीज मतलब चाबियों को गुच्छों को इंग्लिश में अ बंच ऑफ कीज कहते हैं उसी तरह अंगूरों के गुच्छों को हम ऑफ ग्रेप्स कहते हैं फूलों का गुलदस्ता फूलों के गुलदस्ते को हम इंग्लिश में ऑफ फ्लावर्स कहते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स लेट्स सी द नेक्स्ट फ्रेज अ बंडल ऑफ स्टिक्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के गुच्छे को कहते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स इन इंग्लिश लेट्स सी द नेक्स्ट a क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़ को इंग्लिश में अ क्राउड ऑफ पीपल कहा जाता है उसी तरीके से पहाड़ों की श्रृंखला को इंग्लिश में अ चेन ऑफ माउंटेन कहा जाता है देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा अ फ्लॉक ऑफ शीप अ फ्लॉक ऑफ शीप को हिंदी में हम कहते हैं भेड़ों का रेवर आपने देखा होगा कि बहुत सारे शीप्स पिग्स एक सब ग्रुप में जाते हैं उन सबको हम अ फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं ज्यादातर ये लेके जाते हैं देखा होगा आपने देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज क्या है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स पक्षियों के दल को इंग्लिश में अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स कहा जाता है उसी तरीके से दीपों का समूह मतलब अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हिंदी में अदीपों का समूह कहा जाता है और इंग्लिश में अग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है देखते हैं हमारा नेक्स्ट कलेक्टिव फ्रेज क्या है अ गैलेक्सी तारों का समूह ढेर सारे तारों को इकट्ठे अगर हम बोलेंगे तो अ गैलेक्सी इंग्लिश में बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ ट्रीज अ ग्रूफ ऑफ ट्रीज पेड़ों के झुंड को इंग्लिश में अग्रूफ ऑफ ट्रीज कहा जाता है उसी तरह उसी तरीके से मजदूरों के झुंड को ग्रुप ऑफ लेबर्स को इंग्लिश में अ गैंग ऑफ लेबर्स कहा जाता है नेक्स्ट हर्ड ऑफ डियर अ हर्ड ऑफ डियर हिरनों के झुंड को इंग्लिश में अ हर्ड ऑफ डियर कहा जाता है अ हाइव ऑफ बीज मधुमक्खियों के समूह को इंग्लिश में हाइव ऑफ बीज कहा जाता है हाइव ऑफ बीज लेट सी द नेक्स्ट अर्ड ऑफ कैटल जानवरों के झुंड को हम इंग्लिश में अर्ड ऑफ कैटल कहते हैं या रेता का ढेर जो होता है आपने देखा होगा बहुत सारे रेत या रेत या पत्थर एक साथ रखे जाते हैं जब तो उसे हम इंग्लिश में अ हीप ऑफ स्टोन्स और सैंड कहते हैं अ पैक ऑफ हॉर्न्स अ पैक ऑफ हॉर्न्स शिकारियों कुत्तों का झुंड को हम पैक ऑफ हॉर्न्स कहते हैं गली मोहल्ले में जो शिकारी कुत्ते घूमते रहते हैं उन्हें हम पैक ऑफ हॉर्न्स कहते हैं इंग्लिश में या जंगल में घूमते हैं जो डॉग्स उन्हें हम इंग्लिश uh, में ग्रुप ऑफ डॉग्स को इंग्लिश में पैक ऑफ हॉर्न कहा जाता है रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स सैनिकों की टुकड़ी को इंग्लिश में रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है अ रेंज ऑफ क्लिफ चोटियों की श्रृंखला को इंग्लिश में रेंज ऑफ क्लिफ कहा जाता है अ स्वाम ऑफ फ्लाइज मधुमक्खियों के झुंड को इंग्लिश में अ स्वाम ऑफ फ्लाइज कहा जाता है मधुमक्खियां जब ग्रुप में रहती हैं तो उसे हम इंग्लिश में स्वाम ऑफ फ्लाइज कहते हैं नेक्स्ट ट्रूप ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़ों की टुकड़ी को इंग्लिश में ट्रूप ऑफ हॉर्सेस कहा जाता है तो ये थे हमारी ट्वेंटी वन इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव फ्रेसेस थैंक यू कीप लर्निंग कीप शेयरिंग